हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सुधार की आखिर संभावना क्यों की जा रही है। इसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है आपका, तो देखेंगे चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, और एक आप हमेशा सुनते रहते हैं हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। उसके बाद बात करेंगे कि हेल्थ इम्पैक्ट फंड आखिर होता क्या है। उसके बाद अनुसंधान और विकास के सामने उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं और विभिन्न रणनीतियों पर हम लोग बात करेंगे। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सुधार, चर्चा का कारण आप सभी जानते हैं कि अभी जितने भी आर्टिकल आपके लिखे जा रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि 80 से 90% तक सभी आपके COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को लेकर ही लिखे जा रहे हैं। COVID-19 महामारी से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सर्वाधिक प्रभावित व पीड़ित हो रहे हैं। इससे आप लोग भी परिचित हैं कि कोई भी आपदा हो, देश की, फिर चाहे महाप्राकृतिक आपदा हो, फिर चाहे मानव जनित आपदा हो, सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग होते हैं। कौन लोग? गरीब लोग, असहाय लोग। इस संदर्भ में वर्तमान सरकार फार्मा सेक्टर में संस्थागत सुधार हेतु हेल्थ इम्पैक्ट फंड के गठन पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा फार्मास्यूटिकल सेवाओं के उन्नत विकास, सुधार और विपणन में सहायता प्रदान प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? सहायता प्राप्त हो सकती है। वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो गौरतलब है कि वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल की वैश्विक बाजार में सालाना हिस्सेदारी 110 कितना 110 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल वैश्विक उत्पाद का 1.7% है। कितना? 1.7%। इसके अलावा वैश्विक बाजार का 55% हिस्सा लगभग 60 लाख करोड़ रुपए केवल ब्रांडेड उत्पादों का है। वित्त वर्ष 2018 में भारत का दवा निर्यात 17 से 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। जैव फार्मास्यूटिकल्स, जैव सेवा और जैव कृषि, जैव उद्योग और जैव सूचना विज्ञान से युक्त भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि के साथ वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में सामान मांग का 40%, यूके में सभी दवा का 25% आपूर्ति करता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो अमेरिका में कुल मांग है उसमें से 40% आपका भारत उसकी आपूर्ति करता है, यानी कि अपने यहाँ से भेजता है, निर्यात करता है। यूके में सभी दवाओं का टोटल 25% भारत की तरफ से आपूर्ति होती है, यानी कि भारत का हिस्सा है इतना। हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता आखिर क्यों की जा रही है? वर्तमान में फार्मास्यूटिकल कंपनियों केवल उन्हीं दवाओं के अनुसंधान और शोध में खर्च करना चाहती हैं जिन्हें बेचकर उन्हें भारी मुनाफा हो सके। परिणाम स्वरूप गरीब लोग इन महंगी दवाओं को नहीं खरीद पाते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट फंड का निर्माण इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। हेल्थ इम्पैक्ट फंड को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान या फिर डोनेशन के माध्यम से एक निश्चित रकम प्रदान की जाएगी। फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स हेल्थ इम्पैक्ट फंड के माध्यम से अपने उत्पाद को रजिस्टर करेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट फंड के माध्यम से इन इनोवेटर्स को अपने उत्पाद के अनुसंधान और विकास के लिए सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। बदले में इन इनोवेटर्स द्वारा अपने उत्पाद को लागत मूल्य पर भी बेचनी होगी। परिणाम स्वरूप सभी को फायदा होगा, इनोवेटर्स को भी, और उचित इनाम मिलेगा। हेल्थ इम्पैक्ट फंड द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में रुचि रखने वाले कुछ फार्मास्यूटिकल फार्मे पुनः काम में आ सके ही, जो वर्तमान में लाभहीन है। इन फार्मों में से ज्यादातर गरीब लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस तरह की परियोजनाएं मुख्य रूप से संचारी रोगों का भी इलाज करने में मदद कर सकती हैं, जो मुख्य रूप से गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार हेल्थ इम्पैक्ट फंड द्वारा इनोवेटर्स को दवाओं के व्यापार के बजाय स्वास्थ्य परिणामों के आधार पर पुरस्कृत करके भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं। साथ ही में COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए फार्मास्यूटिकल्स इनोवेटर्स
बेहतर दवाओं की आपूर्ति और नई दवा खोज कर सकेंगे। इससे आखिर आप इतना देख रहे हैं हेल्थ इम्पैक्ट फंड आखिर होता क्या है, इसे भी देख लीजिए। हेल्थ इम्पैक्ट फंड को 20,000 करोड़ कितना 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस फंड के जरिए कई दवाओं पर शोध के कार्य को गति प्रदान की जा सकती है। इस शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित दवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई जा सकती है। इस फंड के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रुचि रखने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनियों को शोध कार्य हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान की जा सकती है। शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित की गई दवाएं और अन्य देशों के द्वारा निर्मित ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होगी, जिसका विशेष लाभ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए प्राप्त होगा। हेल्थ इम्पैक्ट फंड के द्वारा फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स COVID-19 के प्रकोप को रोकने हैं व उपयुक्त दवाओं की आपूर्ति करने या फिर विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हेल्थ इम्पैक्ट फंड दवाओं की बिक्री करने के बजाय बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। उसके बाद बात करते हैं अनुसंधान और विकास के सामने उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनके बारे में। R&D को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अनुसंधान और विकास के सामने। लाभ की भावना से प्रेरित इनोवेटर्स मुख्य रूप से उन गरीब लोगों में होने वाली बीमारियों की उपेक्षा करते देते हैं जो महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इनोवेटर्स होते हैं वो लाभ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। WHO में सूचीबद्ध 20 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों में 1 अरब से अधिक लोगों को पीड़ित किया गया, लेकिन इस क्षेत्र पर दवा उद्योग के अनुसंधान और विकास के कुल खर्च का केवल 0.35% ही खर्च होता है। इसके अलावा R&D का केवल 0.12% क्षय रोग और मलेरिया के लिए समर्पित है, जबकि इन रोगों में से प्रत्येक वर्ष 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। विनिर्माण लागत आम तौर पर काफी कम होने के बावजूद बड़ी संख्या में संपन्न रोगियों के कारण नई दवाओं की कीमत काफी अधिक हो जाती है। नतीजतन दुनिया भर के अधिकांश लोग उन दवाओं की बढ़ी हुई कीमत का वहन यानी कि नहीं खरीद पाते हैं और हर साल लाखों लोग उन दवाओं की कमी से पीड़ित हो जाते हैं, जिसका सस्ते में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। चिकित्सीय उत्पाद के व्यापार में उच्च लाभ वृद्धि के लिए कई फार्म डुप्लीकेट दवाओं को विकसित करके अरबों कमाते हैं, जिनसे क्या होता है कि पीड़ितों को अपेक्षाकृत लाभ नहीं होता। भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश वित्त वर्ष 2018 में 8.5% हो गया, जो वित्त वर्ष 2012 में 5.3% के सापेक्ष अधिक है, यानी कि 2012 में 5.3% था जो 2018 में बढ़कर हो गया 8.5%। लेकिन यह अमेरिकी फार्मा कंपनियों की तुलना में अभी भी कम है, क्योंकि अमेरिकी फार्मा कंपनियां अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 15 से 20% तक निवेश करती हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनियां अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि भारतीय फार्मा कंपनियां दवा निर्माण में किसी भी प्रकार का शोध नहीं करती हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद उनकी सक्रिय दवा सामग्री का उपयोग कर जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं। अब विभिन्न रणनीतियों की बात करें अगर हम लोग, तो अपने उत्पाद की बिक्री के साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने हेतु इनोवेटर्स को विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होगी। उन्हें समग्र रूप से यह सोचने की आवश्यकता है कि उनकी दवा उपचार के परिणाम के लिए प्रासंगिक अन्य कारकों को ध्यान में रखकर किसी तरह से काम कर सकती है। उन्हें रोगियों की पहचान करने और उन तक पहुंचने के लिए बेहतर चिकित्सीय निदान के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्हें संभावित अवरोधों को पहचानने और उनको दूर करने के लिए वास्तविक समय में रणनीति बनानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्हें महत्व वाले रोगियों के पास दवा की सस्ती पहुंचे और उन्हें सही समय पर दवा से संबंधित उचित रूप से निर्देश दिया जा रहा है। तो निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है, इस अवधारणा को एक नई बीमारी पर लागू करना जैसे COVID-19 जटिल है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी तरह से संस्थागत बेस लाइन की कमी है, जो यह बताता है कि दवा के बिना इस बीमारी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। परंतु जब बीमारी के प्रसार और संक्रमित रोगियों पर इनके प्रभाव के बारे में अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हों तो इस अवधारणा को लागू किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण उपक्रम है जो इस बात का सटीक परिणाम नहीं दे सकता है
कि महामारी वास्तव में बिना वैक्सीन या दवा के क्या नुकसान पहुंचाएगी। सभी चुनौतियों के बावजूद हेल्थ इम्पैक्ट फंड इनोवेटर्स को अच्छा प्रोत्साहन प्रदान करता है या इनोवेटर्स को अच्छी दवा का निर्माण करने एवं बीमारी को दूर करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो ये स्थिति थी आपकी फार्मास्यूटिकल, भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सुधार की। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी दवा का अभी वैक्सीन का प्रचार करता रहे जब तक भारत सरकार की तरफ से या फिर WHO की तरफ से अच्छे से वैधानिक तरीके से उस वैक्सीन की मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। और याद रखिए, कोई भी दवा लेनी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें, ठीक है? कोई भी कहे, कुछ भी कहे, अभी सबसे बढ़िया कोरोना वायरस से निपटने का एक ही तरीका है कि आप अपनी सेफ्टी रखिए और अपने परिवार की सेफ्टी रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और आपने देखा होगा, आपकी प्रधानमंत्री भी और WHO भी कह चुका है कि ये बीमारी लंबे समय तक रहेगी या वायरस, तो हमें इसके साथ जीना सीखना है, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का बहुत अच्छे से, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं।